दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के किन जाइए प्रदेश पुरा में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ऑक्सफोर्ड आईलेट्स एंड इमिग्रेशन। ग्रैंड इवेंट हो रहा है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडिया से बुलाए जाएंगे वो, तो लोग उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, उसमें जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूल में उनकी फाइल डाल दी जाएगी और वीज़ा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस विजिटर वीज़ा है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 1000 लोग उन्होंने इंडिया से बुलाने हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, आपको इनविटेशन लेटर देगी वो। बच्चे को चाहे लेबर च ना पैना पवे, एसी गाइडेंस बच्चे को क्लास भी देने हैं ते वीज़ा के टाइम पर देने हैं। मतलब बच्चे का करियर बनाने वास्ते जो बेस्ट और ऑप्शन होगा वो ऑक्सफोर्ड तो मिल सकता है। रीसेंटली कैनेडा ने, इंडिया की किसी कंपनी ने कैनेडा में एक ऑर्गनाइजेशन शो ओपन की है, जिसे 1000 इंडिया के जो बिजनेसमैन है उन्होंने इनवाइट करने का एक कैनेडा ने ऑप्शन रखा है। वो बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा जाना चाहे कैनेडा, हालांकि जो बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे उत्थे या उस मीटिंग अटेंड करना चाहे विजिटर वीज़ा लैके, वैसे ओपन चैलेंज है। सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, उन्होंने उस बेस से वीज़ा देना है। वो वीज़ा सिर्फ ऑक्सफोर्ड नाल टाइप अप उन्होंने जो ऑर्गनाइजेशन जी उसे 1000 बच्चे मांग रही है। मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी हायर एजुकेशन कनाडा में फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करूं, जिसके कारण मैंने आईएलटीएस की और मेरे 6.5 बैंड्स आए। और इसके बाद जो मेरे लिए चैलेंज था कि वीज़ा फाइलिंग कहां से की जाए, और मैंने गूगल में सर्च किया, जिससे मुझे पता लगा कि ऑक्सफोर्ड का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण मैंने ऑक्सफोर्ड विजिट किया। और यहाँ पर मुझे श्रुति मैम और अमित सर ने कंसल्ट किया, जिसके कारण मेरा वीज़ा 2 महीने के अंदर अंदर मुझे मिल गया। और अब मैं सितंबर इनटेक में कनाडा जा रहा हूँ, जिसके कारण मेरा ड्रीम अचीव हो रहा है, और थैंक्स टू ऑक्सफोर्ड, जिसके कारण मैं अच्छे से कनाडा जा सकता हूँ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के किन जाइए प्रदेश पुरा में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ऑक्सफोर्ड आईलेट्स एंड इमिग्रेशन, जो कि नाम की मोहताज नहीं है, पिछले 10 साल से सेवाएं हो रही हैं, और बात कर रहे हैं मैडम के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि ऑक्सफोर्ड आईलेट्स इमिग्रेशन, जो कि एक डिफरेंट है, अलग है लोगों से, क्या कहना चाहेंगे कि एक ही छत के नीचे आप लोग जैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं आईलेट्स में, इमिग्रेशन में, स्टडी वीज़ा में, और सबसे बड़ी बात कोर्स चूजिंग में, क्या कहना चाहेंगे कि जब बंदा आपके प्रीमिस में आ जाता है तो फिर वो फ्लाई करके निकलता है बाहर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ऑक्सफोर्ड अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है इस टाइम पे। हमारी इस श्रीगंगानगर ब्रांच जो कि हेड ब्रांच है, इसके अलावा भी हमारी ब्रांचेज हैं अमृतसर में, मलेरकोटला में, बठिंडा में और सिरसा में। ऑक्सफोर्ड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम लोग इस काउंटर पे सारे जेन्युइन काम करेंगे। जैसे वीज़ा इमिग्रेशन के बारे में आपने मार्केट में भी सुना होगा कि इस तरीके का काम हो गया, उस तरीके का, बच्चों के साथ ऐसा हो गया। हम लोग सबसे पहले बच्चों की जगह खुद को रख के सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और बच्चे को एक राइट गाइडेंस दी जाती है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसका फॉल्स तैयार नहीं किया जाता, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उसकी फ़ाइल लगाई जाती है। आइल्स की अगर हम बात करें तो आइल्स में भी हम बच्चे की इंग्लिश के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। हालांकि ये खुद के ऊपर होता है कि बच्चा उस चीज़ को 15 दिन में करता है या 1.5 साल में करता है, लेकिन फिर भी गुरु पे बहुत कुछ निर्धारित होता है
एक अच्छा गुरु बच्चे का भाग्य निर्माता होता है, ये हमेशा कहा जाता है। तो ऑब्वियसली हमारे जो गुरु हैं उनकी गाइडेंस बड़ी वैल्यूएबल है। वो खुद 9 और 9 बैंड वाले हैं आइल्स में, वो बच्चों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कैसे उनको अचीव करना है, पढ़ने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्रैमिंग नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है। बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि रीडिंग सिर्फ बच्चों को करवाई जाती है और अगेन रोज़ रोज़ शीटें दे दी जाती हैं, बच्चों को पता नहीं होता इसमें स्कोर कैसे करना है। हम उसके बाद में बच्चों की एक स्पेशल क्लास लगाते हैं जिसमें उनको स्कोर कैसे करना है, स्कोर इम्प्रूव कैसे होगा, ट्रिक्स कैसे होंगी, वो सब बताते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी सारी ब्रांचेस के, वो हर 15-20 दिन में, महीने डेढ़ महीने में पेपर देते रहते हैं। रीज़न कि वो देखना चाहते हैं कि आज का सिनेरियो क्या चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, उसी तरीके से बच्चे को तैयार करवाया जाता है, उनको कहीं हेक्टिकनेस ना हो, मतलब कहीं वो अड़े ना, उस तरीके से उनको तैयार करवाया जाता है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें सितंबर इनटेक की, बात कर लें जनवरी इनटेक की, बात कर लें तो बहुत सारी फाइल्स लग चुकी हैं और अभी भी 1-2 दिन बकाया हैं सितंबर में भी, और जनवरी की तो इनटेक में आप ले ही रहे हैं, इनरोल कर ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर अगर मेरा पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो जितनी फाइलें हमने डाली हैं, मान लो 100 फाइलें डाली हैं, तो मेरे 99% सक्सेस रेट है इस वीज़ा की। एक ही वीज़ा अभी तक हमारा रिफ्यूज़ हुआ है इस ब्रांच में, उसका हमें नाम भी ध्यान है। और उस बच्चे को भी हम लॉजमेंट से पहले कह रहे थे कि ये फाइल मत डालो क्योंकि सक्सेस रेट अच्छी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं थे बच्चे के, लेकिन बच्चे ने जिद करके डलवाई। खैर बाकी सारे वीज़ा किसी भी कंट्री के हमारे एक्सेप्टेबल है। उसका रीज़न देखो, फर्स्ट वीज़ा देना तो एम्बेसी के हाथ में है, ऑब्वियसली डिसीज़न उन्हीं का है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और उस मामले में हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कि बच्चे की SOP किस तरीके की होनी चाहिए, बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए। यानी कि आप अपनी फाइल एक राइट हैंड में दें, उसकी एश्योरेंस हम देते हैं, बड़ा अच्छी तरीके से सारा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चे का वीज़ा निकलवा के देते हैं, तो सक्सेस रेट ऑब्वियसली बड़ी हाई जाती है हमारी। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि फास्ट डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखते हैं, और यही कारण है कि जो बंदा आ जाता है वही आपका रेफरेंस बनता है, आपको ज़्यादा ऐड की ज़रूरत नहीं है और आप ज़्यादा ऐड करते नहीं हैं, आपके रेफरेंस बेसिस काम है, जो बंदा एक बार जिसका वीज़ा आ गया वो आगे आगे चेन बना रहा है और आपको आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल सर, मतलब ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, हम इस बात की गारंटी देते हैं। आप 100 बंदे रैंडम भेज के देख लो और उनमें से एक भी बंदा कह दे कि मुझे कोई डिग्री बनानी थी और ऑक्सफोर्ड वालों ने हाँ किया, मेरे को इस काउंटर पे कोई 1 CR तक भी दे तो भी हम लोग हाँ नहीं करेंगे। हम लोग लालच में फंस के ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं कि बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो, कल को वो डिपोर्ट हो या उसको वहाँ से परेशानी हो कि ये क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंट थे, ऐसा कोई भी काम नहीं करते। ऑब्वियसली हम लोग इस, हमारे कुछ एथिक्स हैं बिज़नेस के, और उसमें पहला एथिक यही है कि किसी भी बच्चे का कोई भी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। हाँ हम कंट्री चेंज कर देते हैं, कोई बच्चा हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए आता है तो हम उसको कह देते हैं तेरे डॉक्यूमेंट्स तुझे कैनेडा भेज देंगे या UK भेज देंगे, बट पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट पर हम लोग अगर वो कहे नकली बना दो और ऐसे वैसे काम कर दो तो काम नहीं करते। हमें कोई बच्चा आके बोले कि नकली मैं बनवा के ला देता हूँ और 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि मैंने ला के दिया है, तो भी हम उसकी फाइल नहीं लगाते। हमें पता लग जाए बच्चे के डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, हम लोग उसमें डील नहीं करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आप खुद का जो है फैमिली में यहाँ बैठते हैं और राउंड द क्लॉक आपको कोई भी मिल सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इमिग्रेशन आइलैंड्स में अगर उन्होंने ऑनर को मिलना है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो मिलने नहीं देते, और आप लोग के लिए 24 आवर आपका कोई ना कोई, या आप या सर या कोई और कोई ना कोई प्रेजेंट रहता है जिसके साथ कस्टमर सीधा आपके साथ आ सकता है और बातचीत कर सकता है। बिल्कुल सर, ये भी हमारा एक पार्ट ही है बिज़नेस का कि हमारी हर ब्रांच में ऑनर्स हैं जो डील करते हैं। जो हमारे को फाउंडर हैं वो सतीश सचदेवा जी हैं, सुनील सारन जी हैं, और गंगानगर की ब्रांच बेसिकली मेरे पास है। तो उसका रीज़न ये है कि जो हैंडलिंग, जो एश्योरेंस हम दे सकते हैं कस्टमर को वो कोई नहीं दे सकता जल्दी से। और रीज़न देखो, बच्चे को बाहर जाना है तो लाखों की डील है, हज़ारों में तो बच्चा निकलता नहीं, मिनिमम 10 लाख से लेके बच्चे के 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक लग जाते हैं। तो एक स्टाफ के हाथ में वो पैसों की एश्योरेंस देनी और पकड़ाने, थोड़ा सा क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हमारा यही पर्पज़ रहता है कि हम लोग डील करें और जो हमने बात कह दी, चाहे हमारा उसमें कोई लॉस भी लगे, हम उस बात को पूरा करते हैं, कभी भी अपने वर्ड से बैकआउट नहीं होते हैं।
मैडम फाइलिंग की बात कर लें तो आप लोग खुद इंटरवीन करते हैं और सिंटेकली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है और आप उसको देखकर कि किसी भी जगह पर हमें ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी गलती है जो वो बच्चे के लिए पूरा करियर उसका ख़राब कर दे। बिल्कुल सर, अगेन जैसे मैंने कहा कि कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता। और अपनी जो ये गंगानगर की बेल्ट है ना, उसमें एक बड़ा क्रेज़ चलता है फ़ी आफ्टर वीज़ा का। तो हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम बच्चे से आफ्टर वीज़ा ही पैसे लेते हैं। उसका वीज़ा आ गया तो पैसे लेंगे, नो वीज़ा, नो एडवांस, नो एनी पेमेंट, है ना। तो बड़ा फेथ रहता है लोगों का हम पे। इसलिए भी जैसे अब मेरे पास एक कैनेडा विजिटर का प्रोग्राम चल रहा है जो कि कैनेडा बिजनेस विजिटर वीज़ा है। ये विजिटर वीज़ा जैसे नहीं है कि बच्चे से ठीक है उसका पूल में फाइल डाल दी, मुझे 100 फाइलें इकट्ठी करनी है, 5 का वीज़ा तो आ ही जाएगा, 20-20 लाख रुपए ले ली और वीज़ा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका एक रीज़न है कि जो 95 रिफ्यूज़ हुए उससे मेरी मार्केट ख़राब होती है। और इस टाइम पैसों से बड़ी बात है ब्रांड नेम। हम लोग इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे पास एक बिज़नेस विजिटर वीज़ा है जिसमें फ़ौरन में एक बहुत ग्रैंड इवेंट हो रहा है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडिया से बुलाए जाएंगे वो, तो लोग उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, उसमें जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूल में उनकी फाइल डाल दी जाएगी और वीज़ा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिज़नेस विजिटर वीज़ा है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 1000 लोग उन्होंने इंडिया से बुलाने हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, आपको इनविटेशन लेटर देगी वो, आप जाओ। आप जब जाएंगे भी तो आप वहाँ के होटल्स में ही रुकेंगे, 3-4 दिन उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपको समझ आती है तो इन्वेस्टमेंट के बेस पे कनाडा में रुक सकते हैं, या ऑनशोर होने के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यानी कि बिल्कुल आंख बंद करके आपकी फ़ाइल नहीं लगाई जाएगी, एक सलीके के साथ लगाई जाएगी, इन्विटेशन लेटर के साथ लगाई जाएगी। तो वीज़ा सक्सेस रेट इसकी बहुत शानदार वाली है। इसके अलावा अपना एक जो मेजर प्रोडक्ट है जिसमें अपनी मोनोपोली है, वो है कनाडा की पीआर। मुझे नहीं लगता पूरे गंगानगर में कोई इस प्रोडक्ट को करता होगा, या करते हैं तो फेथ नहीं है लोगों का काउंटर पे। हम लोग सीधा ही यहीं से इंडिया से पीआर करवा के पर्सन को भेजते हैं कनाडा, और फीस भी इसकी आफ्टर वीज़ा है। तो बड़ी अच्छी तरीके से डीलिंग रहती है हमारी। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि चाहे कनाडा की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, तो हर जगह पर हमारा ऑक्सफोर्ड बैठा है। और जब भी कोई स्टूडेंट फ्लाई करता है, वहाँ जाता है, तो उसके लिए कील बोर्ड जैसे कोई अकोमोडेशन है कि और उसकी हेल्प है, क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में आपके साथ अटैच हैं। आप लोग उनको केवल वहाँ तक ही नहीं, आप उनकी पूरी हेल्प करते हैं और वो लोग आपकी एक पावर बन के वहाँ बैठे हुए। ऑक्सफोर्ड सर एक नया नाम नहीं है, ऑक्सफोर्ड को 10 साल हो गए हैं यही काम करते। बहुत सारे हज़ारों बच्चे हमने भेजे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कैनेडा, कोई यूएस। तो हमारे जब यहाँ से नए बच्चे जाते हैं तो उनको पूरी असिस्टेंस दी जाती है। जो बच्चे हमसे गए भी हैं वो हमारे लिए बड़े ग्रेटफुल रहते हैं कि हमने उनको भेजा है बिल्कुल लो कॉस्ट में, जितना अपने लोअर मार्जिन के साथ भेजा है। तो हमारा कोई बच्चा जाता है तो वो उसकी पूरी हेल्प करते हैं और हम भी इस मामले में उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ही बच्चे का वीज़ा आ जाता है, बच्चा घबराता है कि मैं कहाँ रुकूँगा, क्या करूँगा, तो हम उसको रेफरेंस देते हैं कि वहाँ जाके रुक जाओ, आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। तो जितना बेस्ट हो सकता है हम लोग उसमें करते हैं। मैडम यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डाटा हमें समझ देने के लिए, और टॉप जो है गंगानगर की ये ऑक्सफोर्ड है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम असं गल कर रहे हैं गुरबाग सिंह जी के नाल, जेडे के बैकबोन ने इस इंस्टीट्यूशन की। गुरबाग जी स्वागत है थोड़ा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। गुरबाग जी की कहना चाहोगे कि ऑक्सफोर्ड आईलैट्स एंड इमीग्रेसन जोड़ा कि एक मार्गदर्शक कर रहा है बच्चों, उन्होंने बच्चों जिन्होंने बाहर जाना, और जिदा जून दी छुट्टियां जिहड़ियां हैगियां खत्म होने वाली, बच्चे जिहड़े हैगे ने अपने घूम फिर के भी आ चुके ने, और हुण उन्हां दे माइंड दे विच है कि असीं अपना कैरियर वल जाइए, और कैरियर दे लई सब तो वधिया ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड आईलैट्स एंड इमीग्रेशन। की कहना चाहोगे जी? बिल्कुल सही गल कही तुसीं, बेस्ट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड आईलैट्स एंड इमीग्रेशन। मैं दर्शकों को दसना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड विच जिहड़ी साडी प्रायोरिटी है वह कदे भी यह नहीं हुंदी कि असीं एक इंस्टीट्यूट नूं बिजनेस तरह चलाउणा। साडा जिहड़ा मोटिव है वह है बच्चों नूं एजुकेशन देना। तुसीं इत्थे जिन्ने भी बच्चों नूं मिलोंगे ऑक्सफोर्ड, जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं उन्हां नूं इस गल दा पता होगा, जिहड़े बच्चे इत्थे विजिट करके गए हैं, कि साडा मोटिव हुंदा बच्चे नूं एजुकेशन देना बेस्ट वाली। असीं 6 बैंड 7 बैंड की तैयारी नहीं कराते, साडा मोटिव है बच्चे नूं 9 बैंड की तैयारी करवाना, बच्चे नूं बेस्ट एजुकेशन देना, बच्चे नूं यह भी दसना कि कड़ा कोर्स लेना चाहिए जिहदे नाल पीआर जल्दी मिलेगी, जिहदे च तुहानूं वधिया वाइट कलर जॉब मिलेगी, बच्चे नूं उत्थे लेबर च ना पैना पवे। एसी गाइडेंस बच्चे नूं क्लास च भी दिंदे आ ते वीज़ा दे टाइम ते भी दिंदे आ, मतलब बच्चे दा करियर बनाने वास्ते जिहड़ा बेस्ट उहदे लई ऑप्शन होगा वो ऑक्सफोर्ड तुहानूं मिल सकदा है। सर टीचिंग की गल कर लीए, आम तौर पर टीचिंग आ जिहड़ी वो
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਤਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 21 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਇਲਸ ਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। 21 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਇਲਸ ਦਾ, 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟ 9988 ਔਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਇਆ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ PR ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰ PR ਆ ਗਈ, ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 5-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਈਏ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੋਵਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕਸ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, 1.5-1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਲਦੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 1000 ਇੰਟਰਪਿਓਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਉਣ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 1000 ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 1000 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡੇਟ ਟੱਪ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ
अपने दो कनाडा के वीजा आए, सारे ऑक्सफोर्ड परिवार को बधाई दी। मैम क्या कहना चाहेंगे कि किसी दिन मिठाई के डब्बे खुलते हैं वीजास के लिए, किसी दिन खुलते हैं बैंड्स के लिए, कि ये एक मतलब हर रोज जो है पॉजिटिविटी, हर रोज खुशी की लहर जो दौड़ती रहती है। आप सोच बिल्कुल सर, हम रोज घर से सोचते हैं आज डाइट पे और इतने में मिठाई आ जाती है। हम रोज मिठाई खाते हैं, कभी आयल्स के बैंड की, कभी मिस्टर वीजा की, कभी स्टडी वीजा की, ये दो कैनेडा के स्टडी वीजा आए हैं। मन क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट अभी आप लाए हैं मंथ ऑयल इंटरप्रेन्योर के लिए, वो केवल एंड केवल ऑक्सफोर्ड के साथ ही है, क्योंकि कंपनी ने टाई आपसे किया है और आपके थ्रू ही वो जो है मंथ ऑयल वीजा से लगने हैं। बिल्कुल सर, कनाडा के अंदर हमारा खुद का ऑफिस है ऑक्सफोर्ड का, और ये पूरे इवेंट में हम ही लोगों से टाई अप किया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी हमारे को फाउंडर हैं जो सतीश सचदेवा जी, उनकी आपको फोटो मिलेगी। सारे जो वैलिड प्रूफ हैं इस बिजनेस, इस इवेंट के एसोसिएट्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अभी देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी जल्दी गेस्ट आ रहा है, अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो आइए और ज्वाइन कीजिए ऑक्सफोर्ड। नो एडवांस नो रिस्क, ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स, जस्ट पे अस आफ्टर वीजा, जस्ट पे अस आफ्टर वीजा, जस्ट पे आफ्टर वीजा।